लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब लोग अपने अपने जगह खड़े रहो, कोई हिलना नहीं। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ इस दुकान का मालिक जौहरी जान की दास, क्या सेवा करूँ? आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी हाँ, एक करोड़ी माल है और बड़े जौहरी हैं, क्या सेवा करूँ? इनका कहना है कि इनकी दुकान से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए और उनको शक है कि वो सब आपके पास। ये सब झूठ है, बात दरअसल में ये है कि हम दोनों टक्कर के व्यापारी हैं, इसलिए ये मुझे बदनाम करना चाहता है। मगर तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। सेठ जी, जी आप अपने जेवर पहचान लीजिए। इंस्पेक्टर, यस सर, लिस्ट बनाओ इसका, आइए। मगर सुनिए तो इंस्पेक्टर साहब, जी ये इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमने आज ही बनवाया है, और ये भी, ये वाला। चलो इंस्पेक्टर, दूसरा मोती का सेट, एक और मोती का सेट सोने के साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये जेवरात जो करोड़ी बाल ने बताया है, जो अपने बक्से में रखते जा रहे हैं, ये मेरी अपनी दुकान के हैं, मेरे अपने कारीगरों ने बनाए हैं। इंस्पेक्टर साहब, देखिए अगर ये वाकई आपके हैं, ये मेरे हैं, तो कल सवेरे तक मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको वापस। इंस्पेक्टर, यस सर, इस पर सिग्नेचर करके इनको दे दो। ओके सर, चलिए सेठ। ये क्या लिस्ट, और आप भी इस आपको फोन करो महाराज। ये पुलिस नहीं है, डाकू है। खाल पहन लेने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता पाचा। लगता है चारों तरफ ये पुलिस के सायरन तुम्हारे लिए बज रहे हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ जेलर। तुम तो अच्छी तरह जानते हो पाचा, जेलर शमशेर सिंह वो चट्टान है जिसे अपनी जगह से कोई नहीं हटाता। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो जेलर, चट्टानों के चीथड़े उड़ाना पाशा का पुराना पेशा है। जेलर, मुझसे दुश्मनी मतलब जेलर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे जाने दो। तुम सिर्फ जेल जाओगे पाशा, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार भी हूं। कानून की दुनिया में रहने वालों का पाप की दुनिया में रहने वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, समझे? ले जाओ इसे और FIR में मेरा नाम जरूर लिख देना, मैं गवाही देने आऊंगा। ले जाओ जेलर, ले जाओ, अपने कफन के पैसे जमा कर लेना, इंतकाम लेने वापस आऊंगा मैं। मेरी बहन, आज तेरी याद आएगी तो किस तरह। आज आपकी बहन आपको एक ऐसा तोहफा देने वाली है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जरा हम भी तो सुने क्या तोहफा है। इसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जीवन साथी,
अरे घबराती क्यों है, तेरी पसंद मेरी पसंद। ओ भैया। अच्छा अब जरा उसकी फाइल खोल दे, नाम पता बिजनेस कौन से खानदान से है। भैया वो आपसे मिलने आ रही है, आप खुद पूछ लीजिएगा ना। ठीक है फिर आ ही रहा है तो बिल्कुल। वो आ गई। तुम बदमाश, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ ये कमीना एक नंबर का चोर है। भैया तुम्हारे भैया ठीक कहते हैं शारदा, मैं जेल जाता रहा, चोरी करता रहा, मगर तुमसे मिलने के बाद मैं वो दुनिया छोड़ चुका हूँ। पाप की दुनिया में मजबूरी से जाने वाला आदमी वापस आ सकता है, लेकिन जिसका जन्म ही पाप की दुनिया में हुआ हो, उसके खून के हर कतरे में पाप का रंग मिला होता है, तो उसे नहीं छोड़ सकता। इसका दादा अपने जमाने का एक मशहूर खतरनाक दलील डाकू था, इसका बाप वैश्याला चलाता था और खून के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया था, और ये खुद शराबी बदमाश उचक्का गुंडा और न जाने क्या क्या है। यू ब्लडी बास्टर्ड, तो बार अगर मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मैं चला जाता हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैं उस दुनिया से नाता तोड़ चुका हूं जिसे आप पाप की दुनिया कहते हैं। चलो शारदा। शारदा नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी भैया। शारदा ये क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन अब मेरी जिंदगी इन्हीं की सेवा के लिए है। हम दोनों मंदिर में शादी कर चुके हैं और मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ भैया। कांता वाकई मेरी बहन ने जो तोहफा मुझे दिया वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतनी रात को कौन हो सकता है? देखता हूं। कांता भैया एक बार, सिर्फ एक बार इस दहलीज के अंदर रहने की इजाजत दे। शारदा तुम ये क्या हालत बना रखी है? आओ अंदर आओ। शारदा ये बच्चा उस पाप की दुनिया की निशानी है भाभी, जहां मैं शादी करके चली गई थी। भैया ने ठीक ही कहा था, पाशा एक गिरगिट है, रंग बदलना उसकी फितरत है। उसने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि भैया की इज्जत और पोजीशन के आड़ में आकर अपने पाप की कारनामे कर सके। लेकिन जब उसने देखा उसके चाल कामयाब ना हो सके तो वो मुझे वेश्यालय में बेचने चला गया। मैं वहां से भागी, इस बच्चे के लिए जान भी ना दे सकी। भैया मैंने आपका दिल दुखाया, अपने खानदान की इज्जत पर ताक लगाया, लेकिन इसकी सजा इस नन्ही सी जान को ना मिले, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेके आई हूँ। भैया भैया बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आपकी परवरिश, आपकी तालीम इसे अच्छा इंसान बना सकती है। भैया भैया इसे कभी पता न चले इसका बाप एक पापी इंसान था, इसकी माँ एक Thank you.
मामा जी। हाँ? आप मेरी माँ को बहुत चाहते थे ना? हाँ बेटा, तेरी माँ मेरी बहन नहीं, बेटी जैसी थी। आप मुझे भी अपने बेटे जैसा चाहते ना? हाँ हाँ। तो आप रोया ना कीजिए। रोता कौन है? पापा, पापा, खाना तैयार है, माँ बुला रही है। हाँ चलो। पापा, विजय रो क्यों रहा है? रो रो कहाँ रहा है? तुम लोग चलो, मैं हाथ धो कर आया। हाँ पापा ने डाटा क्या? नहीं रे, वो क्यों डांटेंगे, वो तो मुझे इतना चाहते कि मेरे डैडी भी ना चाहते। जानते हो मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है? सिर्फ इतना जानता हूं कि यह सजा मुझे तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा बस चलता तो तुम्हें इतनी लंबी नहीं, छोटी सजा दिलवाता, सजाए मौत। संसार के तुम पहले साले हो जो अपनी बहनोई की मौत चाहते हो। एक जेलर और एक कैदी के अलावा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे कहने से इस समाज का कानून नहीं बदल जाएगा जेलर। तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी की थी, मेरे बच्चे की मां बनी थी। नहीं जानता कि वो आज कहां है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे खानदानी खून में मेरा खून मिल चुका है। वही खून जिसे तुमने किसी दिन गंदा कहा था, एक दिन जरूर रंग लाएगा। किसका खून क्या रंग लाता है पाशा, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। हकीकत तो यह है कि अच्छा खून अगर गंदे माहौल में चला जाए तो भी उसकी अच्छाई को नहीं दबाया जा सकता, और गंदा खून अगर अच्छे माहौल में आ जाए तो वह अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अव्वल तो तुम्हारा गंदा खून, उस पर गंदा माहौल जिसकी वजह से तुम पाप की दुनिया के शैतान बन चुके हो, उस पाप की दुनिया के जहां इंसान की जन्म कुंडली लिखने वाला भी मुजरिम होता है। मैं आई है पड़ोसन होकर इतनी देर कर दी। अचानक आरती की डैडी को दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए देर होगी। मम्मी मम्मी, आशा के पास जाओ। हाँ जा बेटा, आइए ना। चलो भाई, चलो चलो बच्चा पार्टी, आओ आओ आओ, सब केक काटेंगे, आओ। अच्छा बेटी, अशोक को आने में देर भी हो सकती है, मेहमानों ने घर वापस जाना है, केक काटो। उन्हें जाना है तो चले जाए, जब तक अशोक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो मैं मोमबत्तियां जलाता हूँ। बस खराब हो गई तो पैदल चलकर आ गया। अरे अभी तो केक काट लो बेटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई बहन में देखा कितना प्यार है, क्यों ना होगा। भाई बहन का प्यार तो इनके खानदान के खून में है। देखा नहीं जेलर साहब ने अपनी बहन के लिए क्या क्या नहीं किया। आपका टेलीफोन। शेरियर, व्हाट? पाशा भाग गया? ओह नो। जिस पाप के दुनिया का तूने मुझे कीड़ा कहा है, उसी पाप के दुनिया की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं तेरी खुशियों को आंसू में न बदल दूं, जब तक मैं तेरे सुख को कांटों में न बदल दूं, और जब तक तेरे कानूनी लंबे हाथों को मैं अपने बदले की तलवार से काट कर न फेंक दूं, मैं चैन की सांस नहीं बैठूंगा। जेलर पाशा, जेलर को जीप के साथ बम से उड़ा दे। ओका घर का, ओका खानदान का शमशान बनाई देखा जो जो है इसको। नहीं, बहुत कम सजा है ये उसके लिए। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी मौत लगेगी उसे, वो जिएगा मगर एक जिंदा लाश की तरह। चल अब हम चोर पुलिस खेलते हैं, तू चोर मैं पुलिस। क्यों, मेरा भैया चोर क्यों बने? अरे आशा खेली तो है, मैं कोई सचमुच का थोड़ी चोर बन रहा हूँ। चला के बनकर भैया तुम उस खिड़की के बाहर चले जाओ।
चुका। मैं उसके पर नहीं होश में आओ शांता हिम्मत से काम लो शांता ओ गॉड अच्छे खून के औलाद अब तुझे चुन के अंधेरे में जीना होगा वो रूप लेकर जवान होना होगा जो समाज में रहने वाले शरीफ लोगों के मुंह पर एक ताली है तुझे मुजरिम बनना होगा मुजरिम तेरे हाथ आज के बाद चोरी करेंगे चोरी नहीं चोरी करना बुरी बात है मैं चोरी नहीं करूंगा नहीं चोरी करेगा नहीं नहीं करेगा आशा बेटी चलो नाश्ता लग गया चलो पापा अभी उस खिड़की से अशोक भैया वापस आ जाएंगे फिर हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे देखो बेटी हम लोग शुरू करते हैं जब तक वो इंस्पेक्टर भोंसले आए हैं अच्छा और जी सर हर वो चीज जिसको देखकर अशोक की याद आए इस घर से हटा दो भाई के गम में ये बेचारी पागल से होती जा रही है Yes, Mr. Bonsley. आप भी दूसरे ऑफिसर्स की तरह से यही कहने आया कि अशोक का कुछ पता नहीं चला कुछ समझ में नहीं आता जेलर साहब पुलिस ने शहर का कोना कोना छान मारा लेकिन फिर क्या उसे जमीन खा गई या आसमान मैं कहूँ अब कौन है लगता है इसकी याददाश्त हो चुकी ये तो और भी अच्छा हुआ अब इसके दिमाग के कोरे कागज पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं आज के बाद इसका नाम होगा सूरज पाप की दुनिया में इसके कारनामे आसमान के सूरज की तरह चमकेंगे Thank you.
नमस्ते सूरज भैया। नमस्ते। क्यों बेटू, क्या चक्कर है? तारीख है ना, लगा रहे बच्चे बड़े होने तक फैसला हो जाएगा तेरा। सूरज भैया। वालेकुम सलाम। क्यों फिर से गाड़ी ठोक डाली? वो तो नो एंट्री में रुकना चला गया था। गुरु एक मिनट, क्या यार इतनी देर कर दी तूने? अरे क्या करता गुरु, धंधे पे गया था, वापस आया, पता लगा तुमने बुलाया, भागा भागा आ रहा हूँ। कितनी लगी? 6 महीने। बादशन बस्ती वालों का ख्याल रखना, और वो अपना होटल वाले ना बिल्ला, उसे कहना अपना वो रामू है ना, उसे खाना पीना खिलाता रहे, अपन आगे सारा हिसाब किताब कर डालेगा। ठीक है, चल बाप। और हाँ बादशन, बाबा से कहना अपन एकदम फिट है, कोई फिक्र ना करें। बिल्कुल। फिक्र मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब सूरज साल में एक दो बार जेल नहीं जाता। उसकी जिंदगी में आपके दुनिया का जो इतिहास मैं लिखना चाहता हूं, उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि बार बार वो जेल जाए, हर पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो टंगे, ताकि वो इतिहास जब मैं अपने दुश्मन के सामने पेश करूं तो वो सपने में भी खून के आंसू बहाए। भैया भैया भैया। आशा आशा, क्या हुआ बेटी? फिर वही सपना देखा? पगली कब तक सपने देखती रहेगी? कितने साल हो गए पता नहीं अब तक। ऐसा मत कहिए पापा, मेरा भैया आएगा, वो अपनी बहन से मिलने जरूर आएगा, इसी खिड़की से आएगा, इसी खिड़की से आएगा। ऐसी हर चीज जिसे देखकर उसकी याद आए मैंने इस घर से निकाल दी, लेकिन उसकी यादों को इसके दिल से कैसे निकालूं? भैया तुम आते क्यों नहीं? कहाँ हो तुम भैया? अब है ससुर के नाते पहले शेर पानी पीवत है, फिर दूसरा जानवर का। जवानी के जोर पर घमंड मत कर बिस्ना, एक वक्त था जब लोग मेरे नाम से कांपते थे। अबे हट! क्या हुआ पापा? पानी हा? पानी पिला दो, पानी। चलो अपन पिलाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अबे बजर बट्टू, पानी पिलाएगा भैया का? देखे हो टुकर टुकर, भलाई का इनाम चाहत है? काफी भारी हाथ है तेरा। अभी पांव भी भारी करता हूँ बजर बट्टू। दोबारा बिस्ना के रास्ते में आए, दांत निकाल के तुहार के हाथ में दे देंगे। का हाथ में दे देंगे? अपनी धमकी का जवाब नहीं लेगा क्या? जवाब कौन देगा हमका? अपन और कौन? चल Thank you.
पकड़ लो इन दोनों को। आप अपन की गलती नहीं, सब इसकी गलती है। ले जाओ इन दोनों को और चक्की पीसने पर लगा दो। चलो साहब, आप जख्मी हो गए। नहीं, जख्मी तो नहीं, लेकिन ये खून, ये सूरज का खून है साहब। एक पल के लिए तो लगा कि ये मेरा अपना ही खून है। नमस्ते दादा, ये क्या हुआ? एक कुत्ते ने काट लियो। कुत्ते ने? उस ससुर के नाती को तो हम बाहर आके देख ले। तू बोल, तू का खबर लाया है? खबर तो बहुत बुरी है दादा। अपने जुआ सट्टे और शराब के तमाम अड्डे बंद हो चुके हैं। कहाँ है? एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसकी वजह से। उस ससुर के नाती का हड्डी नहीं डाली थी का? रिश्वत देने वाले को वो उल्टा लटका कर मारता है। तो ऊपर वालों को खिलाई पिलाई के वो हराम जादे का तबादला करवा देते हैं। ऊपर वाले भी उसकी ईमानदारी से डरते हैं, गलत आदमी की फाइल बनाकर डीआईजी साहब को दे देता है। उस ससुर के नाती का नाम पता होलिया, जरा इताम का पता। नाम विजय, ऊंट जैसा कद, शेर जैसी चाल और चीते जैसी आंखें। कल्लू, तुम तीनों की फाइल मैंने बना ली, उस पर अंगूठा लगाकर तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना था। इस बात की खबर तुम्हें नहीं मिली थी? ऐसी खबर और ऐसी खबर देने वालों को हम जमीन में गाड़ देते हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, हमें ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि आज तक तुम्हारा पाला सिर्फ चूड़ियां पहनने वालों से पड़ा है। अरे हमसे भिड़ने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारी तो जिंदगी की फाइल है ना, हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अच्छे बच्चों की तरह इस फाइल में अंगूठे लगाओ और जीप में बैठ जाओ। हमारा अंगूठा लेकर क्या करोगे इंस्पेक्टर, पूरा पंजा ही ले लो। हाँ तो इंस्पेक्टर, तुम कुछ अंगूठा लगाने की बात कर रहे थे, बोलो कहाँ लगा दे अंगूठा? Thank you.
इंस्पेक्टर विजय। क्या जल्दी छूट रहा है? मैं अभी आया। सलाम साहब। सलाम सलाम। बस एक मिनट रह गया साहब क्लास छूटने में। यार तुम हमेशा सही वक्त पर फोन करते हो। ये लो साहब, हम पहला लकी आदमी है जिसको पुलिस वाले से रिश्वत मिलता है। ये रिश्वत नहीं है दोस्त, इनाम है इनाम। क्योंकि तुम एक प्रेमी को उसके प्रेमिका से मिलाने में मदद करते हो। भगवान तुम दोनों प्रेमियों की जोड़ी को सलामत रखे। अच्छा साहब शुक्रिया। अरे क्या कहेंगे, देखेंगे, जलेंगे, तरसेंगे, लेकिन हम अपने प्यार में मगन रहेंगे। एक दूसरे की बाहों में समा के खुली हवाओं में उड़ेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, जैसे मैना गाती है तोते के लिए और तोता गाता है मैना के लिए। मेरा दिल तोता बन जाए,
ऐसा मिठू मिठू बोले नौकरी कर ली चिड़ियाघर क्यों हाँ कुछ तोता मैना बड़बड़ा रहे थे वो तो ऐसे ही तुम्हारे इंतजार में मैं कहीं खो गया था तुम एक इंस्पेक्टर हो ऐसे खोकर गाओगे तो सब मुजरिम खो जाएंगे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज कॉलेज जल्दी छूट रहा है दिल को दिल से राह होती है मेम साहब और फिर मैं तो पुलिस वाला हूँ दूसरों की खबर रखना मेरी ड्यूटी है अच्छा अब चलो वरना आशा हम दोनों की छुट्टी कर देगी आशा पता नहीं आज क्यों उसने घर पर बुलाया है अरे हाँ हाँ उसने तो मुझे भी बुलाया था अरे जल्दी चलो वरना वो पगली सर पे घर उठाकर सबको लीजिए साहब अब आप दोनों को
विजय और आरती की शादी कर देनी चाहिए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अब ये भाभी के ऊपर है। मैं तो सिर्फ आरती की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद आप जब चाहे कर दीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बड़ी लंबी उम्र है तुम दोनों की, याद ही किया था और आ गए। वो कहाँ है जिसने हम सबको याद किया है? किसने? वो आ गए। किसका जन्मदिन मना रही हो आशा? आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, आज अशोक भैया का जन्मदिन है ना। ये लोग इसलिए भूल जाते हैं कि जिसका जन्मदिन है वो इनके सामने नहीं है, और मैं भूलते हुए भी इसलिए भूलने का नाटक करता हूँ कि तू भूल जाए। मैं अपने अशोक भैया को नहीं भूल सकती। आओ मिलके केक काटें। हैप्पी बर्थडे अशोक भैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अशोक भैया, हैप्पी बर्थडे। तू रोते रोते अभी तक थकी नहीं हो, कब तक उसकी याद में आंसू बहाती रहे? जब तक अशोक भैया नहीं आते। सलाम साहब। सलाम। आज तुम जेल से जा रहे हो? हाँ साहब, अगर आपका प्यार मोहब्बत देखकर दिल तो नहीं करता कि अपन जाएं। सच साहब, अपन ने कई जेलें देखी हैं, अगर आपका बर्ताव देखकर लगता आप जेलर नहीं पिता है। अपन ने तो आपको हमेशा अपन के पिता के माफिक समझा है साहब। मैं तुम्हारी बात को तब सच मानूंगा अगर तुम आज से चोरी करना छोड़ दो। आपको पिता समझना अपन की भावना है, चोरी करना तो अपन का धंधा है। अब भावना और धंधे में क्या कनेक्शन साहब? चोरी करना धंधा नहीं, आराम की कमाई पर पलना है। मेहनत मजदूरी करो, फुटपाथ पर ठेला लगाओ, इज्जत की दो रोटी कमाकर खाने को धंधा कहते हैं। आप ठीक कहते हैं साहब, मगर चोरी करने में बहुत मेहनत लगती है साहब। अपन करता है ना साहब, इसलिए अपन को मालूम है। साहब फाइल वाला कबाड़ नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, चाबी पूरी घूम जाती है, लगता है किसी ताला खोलने वाले को बुलाना पड़ेगा। ओफो, मुझे तो अभी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जाना है, जल्दी बुलाओ किसी को। सर आप कहें तो अपन खोल दें। तुम? मैं जानता हूँ कि तुम ताला खोलने में एक्सपर्ट हो, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट मारने में क्या जाता है साहब, और आपको जल्दी भी है ना। चलो साहब, इजाजत है। खुल गया साहब। थैंक यू साहब। आपको एक बात बताऊं, सूरज जो भी काम करता है, अच्छा हो या बुरा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा करता है। चलता है रो, अगर हम किसी ताला खोलने वाले को बुलाते तो उसे भी मजदूरी देते। ये लो, तुम अपने इस हुनर को धंधा क्यों नहीं बना लेते? शुक्रिया साहब, अगर अपन ने अपन का हुनर इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे साहब। सलाम साहब। नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटे, आ गए। हाँ बाबा, ये लो। ये क्या है? अपन की जेल की मेहनत की कमाई बाबा। जो आदमी दो मिनट में ताला तोड़ के लाखों रुपए कमा सकता है, उसके लिए कमाई नहीं भीख है, भीख। इसे दूर रखो, कहीं इसकी मनहूसियत मुझे भी ना छू जाए। हाँ, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। 10,000 रुपए मैं एडवांस ले चुका हूँ, बाकी काम तुम तय कर लो। क्या काम क्या है? एक इंस्पेक्टर है विजय, जो हमारी फाइल बनाना चाहता है। फाइल बनते ही वो उसे हाईकमान को दे देगा और हाईकमान हमारे अरेस्ट ऑर्डर निकाल देगा। फाइल है कहाँ? इंस्पेक्टर विजय के घर में। इस काम के लिए अपन 30,000 रुपया लेगा? 30,000 तो बहुत ज्यादा है भाई, काम भी बहुत मुश्किल है। लुक, अगर आसान काम होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते?
मंजूर हो तो हाँ कहो, वरना अपना एडवांस वापस लेकर पतली गली हो जाओ। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन फाइल कब मिलेगी? 2 दिन बाद। ओके पाशा साहब, हम चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा, ऑल द बेस्ट। अरे भाई, चोरी के साथ साथ तुम्हें धंधा करना भी आ गया बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते श्रीमान जी, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आपके शरीर की हर चीज सलामत है जी। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों के बारे में सोचना आपका फर्ज नहीं है जी? क्यों नहीं, जरूर है, और मैं सोचता भी हूँ। सिर्फ सोचा मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए दान देकर। काश आप जैसा हमदर्द हर इंसान हो जाए, ये तो बहुत है। लेकिन इसमें से तो मुझे वो, आप और भी देना चाहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आप, ये हमारे ऑफिस का पता है, आप जितनी मदद करेंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी। अरे सुनिए, अजी लड़की है, बाबा ठीक कहते थे, मेहनत की कमाई अपन को बचती नहीं है। सड़क खड़खड़ कर गई। अरे गुरु, तुम्हारा ही नहीं, सड़क से गुजरने वाले हर आदमी का यही हाल करती है। सुबह से एक के भरे नहीं मिली, मेरे पहुंचने से पहले ही खाली कर जाती है। सहने दे यार, बेचारी नेक काम कर रही है। अरे ऐसा नेक काम रोज करने लगेगी तो हमारे जैसे जेब कतरे भूखे मर जाएंगे। अपन आ गया ना, तिजोरी तोड़कर तेरा पेट भटा लेगा, समझा? अरे मेरे पेट में बाद में डालना, पहले ये चिट्ठियां संभालो। चिट्ठे लेकिन है किसके? अरे बस्ती वालों की। तुम्हारे जाने के बाद बस्ती वाले मेरे से पूछने लगे सूरज भैया का, तो मैंने कह दिया कि दुबई गए हैं, तो बोले फिर तो बड़ा इम्पोर्टेड सामान लेकर आएंगे। मैंने भी जोश में कहा हाँ, बस जिसको जो चाहिए था वो एक चिट्ठी में लिखता, पिछले 6 महीने से मुझे देता और मैं अपने स्पोर्ट्स बॉक्स में पोस्ट कर देता। गुरु काफी महंगी फरमाइशें हैं। ठीक है यार, अपनी कड़की दूर करते करते अपन बस्ती वालों की फरमाइशें भी पूरी कर देगा। अरे यार, यहाँ? हाँ, कल सुबह चंदे के पैसे भिजवाने हैं, इसलिए हिसाब के लिए हम दोनों ऑफिस में देर तक रुक गई। अच्छा अच्छा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? इतने रुपए दान देने के लिए लाए हो? देखो दीदी, इनके दिल में अपंग लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है। आज सुबह 300 रुपए दिए और यहाँ का पता लिया, देखो कितने रुपए लाए हैं। ये तो कुछ भी नहीं, आप कहें तो अपन अपंग लोगों के लिए अपने शरीर के सारे टुकड़े दान में दे दें। देख लो दीदी, दूसरों के दर्द को समझने वाले और दूसरों के लिए जीने वाले महापुरुष ऐसे होते हैं। ये लो, ये रुपए इनके नाम पर लिख दो। अरे हा? मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। सूरज। अरे ये खून कैसा हा? कैसे लग गई? वो कहीं कील लग गया होगा। हम ये तो अच्छा खासा जख्म है। हाँ, ये क्या करेंगे आप? लाइए पट्टी बांध दूं। आपने अपना इतना कीमती दुपट्टा आपन के लिए बेकार कर दिया। मेरी नजर में आपके खून से ज्यादा कीमती ये दुपट्टा नहीं है। आरती, इंस्पेक्टर विजय आए हैं। अच्छा अभी आए। हाय। हे आरती, सॉरी मैं 5 मिनट लेट हूँ। तुम लेट ना होते तो कई गरीबों का नुकसान हो जाता। वो क्यों? एक साहब ने 25-30 हजार रुपए डोनेशन में दिए हैं अभी,
देखिए मेम साहब, इतनी बड़ी रकम या तो कोई बड़ा सेठ दे सकता है या कोई चोरिया बदमाश। तुम पुलिस वालों को तो सोते जागते चोर बदमाश ही नजर आते हैं। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाऊं। कम ऑन, आओ विजय, ये है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ चले गए? है? अरे तो पेड़ है। अरे गुरु क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अरे गुरु बताओ तुझे क्या हुआ, लगता क्या काम से? क्या हुस्न था, क्या जवानी थी, क्या दाएं थी। हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया। I'm not.
इकरार क्या होता है, ना भी जबान लगती है ये इनकार क्या होता है, बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार, ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना, चोरी चोरी यूं जब हो आंखें चार क्या होता है, दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है, से जब उठती है ये झंकार क्या होता है, बेगाने बन जाते हैं यार 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 यार, अनजाने हो जाता है प्यार 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 प्यार, ये क्या होता है कैसे होता है जाने ये कोई ना, चोरी चोरी जब हो आंखें चार क्या होता है, दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है, सपनों की दुनिया से बाहर आइए, चलिए घर भी जाना है। क्या है? नहीं? दो दिन बीत गए सूरज, फाइल अभी तक नहीं आई। अब भी दो दिन खत्म होने में 10 घंटे बाकी हैं। अपने बिल में जाके इंतजार कीजिए, फाइल मिल जाएगी। कब? आज रात को। भैया कहाँ हो तुम, कब आओगे? कौन? मैं अशोक भैया। अशोक भैया तुम मेरे अशोक भैया हो ना? देखा मैंने तुम्हें पहचान लिया। अपन तुम्हारा अशोक भैया है। कहाँ चले गए थे तुम, कितना ढूंढा तुम्हें, एकदम लापता हो गए। लापता? हाँ अपन चला गया था, लेकिन अब अपन आ गया। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली रखती हूँ। याद है आखिरी बार तुम इससे ही बाहर गए थे? सब कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज सब हार गए, बहन की मोहब्बत जीत गई। लगता है इस बेचारी का भाई कहीं खो गया है, उसी के गम में ये पागल हो गई। लेकिन तुम थे कहाँ? अपन क्या करते रहे? मैं वो बहन, दुनिया बड़ी जालिम है, तुझसे तेरा भाई क्या बिछड़ा कि दुनिया ने उसे चोर बना दिया। चोर? तुम चोर बन गए? हाँ बहन, जीने के लिए पेट भरना बहुत जरूरी था, और पेट भरने के लिए कुछ काम और तो कुछ कर नहीं सका, इसीलिए अपन चोर बन गया। तुम चिंता मत करो, विजय इंस्पेक्टर बन गया है, मैं उससे कह के तुम्हें माफी दिला दूंगी। ना 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 ना,
तुम विजय से कुछ मत कहना, पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। तुम किसी से कुछ भी मत कहना वरना पुलिस मुझे पकड़ कर फिर से जेल ले जाएगी और तेरा भाई तुझसे पिछड़ जाएगा। ऐसा मत कहो, अब ऐसा नहीं होगा भैया। आशा, आशा, आशा दरवाजा खोल। आशा जल्दी कर, आशा। मैंने कुछ आवाज सुनी, यहाँ कोई आया तो नहीं? मेरे अशोक भैया। अशोक? हाँ अशोक भैया। अच्छा तुम ऐसा करो कि अपने अशोक भैया से बातें करो, लेकिन दरवाजा अच्छी तरह बंद रखो। अच्छा ओके। भैया बाहर आ जाओ, खतरा टल चुका है। तुम कितनी अच्छी हो आशा, तुमने एक चोर को बचा लिया। चोर को नहीं, अपने भाई को। भैया तुम यहीं रह जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो पगली, अपन यहाँ कैसे रह सकता है? हाँ तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? फिर कब आओगे? बहुत जल्द आऊंगा, अब अपन चलता है। दिन पूरे होने में अभी एक घंटा बाकी है, ठीक से देख लो। यही फाइल है ना? बिल्कुल वही। ये लो अपने बाकी के रुपए। लेकिन तुमने ये फाइल इंस्पेक्टर के घर से निकाली कैसे? चुपके से आम खाओ दोस्त, पेड़ गिनने में क्या फायदा। ओके बात है भाई, मान गए उस चोर को जिसने पुलिस वाले के घर में घुस के उसकी फाइल चुरा ली। विजय पकड़ा जाए तो उस चोर से मुझे जरूर मिलाना। तुम क्या उसका अचार डालोगी? इनाम दूंगी, हाथ मिला के उसकी हिम्मत की बधाई दूंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो पकड़ा जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। विजय एक बड़ा इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर है, ये उस चोर को जरूर पकड़ लेगा। इंटेलिजेंट तो वो चोर लगता है अंकल, जो विजय के घर में होते पहल चुरा कर ले गया। एनीवे अंकल मुझे कुछ शॉपिंग के लिए जाना है। आशा सो के उठे तो उसे कह दीजिए कि मैं आई थी। बाय इंस्पेक्टर विजय। विजय अब इस चोर को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सारी उम्र तुम्हारी ये खिंचाई करती रहेगी। कुछ दिन इसे खुश हो लेने दीजिए अंकल, उस चोर को तो मैं पकड़ ही लूंगा। अरे आप? अरे आप? यूं ही कुछ शॉपिंग करने जा रही थी। आप उस दिन चोरों की तरह गायब कहाँ हो गए थे? जी उस दिन मैं जरा जल्दी में था। आपका जख्म कैसा है? दर्द तो गया पर निशान बाकी है। निशान भी चला जाएगा पर यादें बाकी रह जाएंगी। जी मेरा मतलब है कि यादें कभी कहीं नहीं जाती। इतना सामान किसके लिए खरीद डाला? जी जिस तरह आप सेवा केंद्र के जरिए गरीबों में प्यार बांटती हैं, उसी तरह अपन पन बस्ती वालों में जरा सा प्यार बांट देता है। अच्छा क्यों ना हम इस प्यार को आधा आधा बांट लें? जी अगर आपको ये बंटवारा पसंद हो तो। आपकी पसंद को ये बंदा कैसे ना पसंद कर सकता है। थैंक यू जी। अरे ओ रामू तू देवदास बन के क्यों बैठा भाई? मुझसे मत बात करो। क्यों क्या हुआ? तुमने कहा था कि सूरज भैया आएंगे, वो किधर आए? अरे मेरे बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। सूरज भैया कैसे है तू? अरे प्रीतम ये पकड़ यार। हाँ। ये ले अपन को जोपन भी लिखा था अपन ले आ। आओ भाइयों आओ आ जाओ। कैसा है तू? हाँ अरे तूने कुछ भी नहीं लिखा अपने लिए? भैया तुम आ गए मेरे लिए बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। हाँ बहुत प्यार करता है आपसे। क्यों आपको जलन हुई? हाँ मुझे क्यों जलन होगी?
अगर आप भैया से प्यार करती होगी तो जरूर जलन हुई होगी। ओए, जो मुंह में आता बक देता तू, चल जा ठंडा लेकर आ, चल। इस बस्ती से खास लगाव है आपका? लगाव? मोहब्बत करता हूँ बस्ती की हर एक चीज से, इतनी मोहब्बत जितनी एक माँ से की जाती है। माँ से? जी हाँ, जन्म देने वाली माँ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, पालने वाली माँ ये बस्ती है। जी चाहता दुनिया की हर खुशी कमाकर इस बस्ती में बांट दूं। भैया, लो भैया। अरे तुझे ठंडा कहा था लाने को, ये तू क्या ले आया? अरे भैया शिवजी का प्रसाद है, ठंडा ही समझ के। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अपन को नशा हो जाता है, फिर अपन उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। अरे तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों में जो प्यार का पैगाम होता ना, वही तो सुनना चाहते हैं ये लोग, क्यों भाई? पी लीजिए ना, मैं भी सुनूं आपके प्यार का पैगाम। आप कहती हैं तो, ये कहती हैं तो पी लेता हूँ, उसमें क्या है। सागर नदियां ताल गुल में गल तैयार भंग, फिर न कहीं हो मारा मारी, फिर न कहीं हो जंग। जंग नहीं चाहिए बाबा, ये बाबा भंग चाहिए, भंग। गंगा को देखा कुछ भी नहीं।
इंस्पेक्टर साहब, आप क्या पियेंगे? आप चाय ठंडा और बिल्लिया एक गिलास दूध ले। कल रात को तुम कहां थे? कल रात अपन को कुछ पता नहीं। जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। रात के 12:45 पर तुम कहां थे? कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करो, जरा दिमाग पे जोर दो। वो कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी याददाश्त, लगता है ठीक करनी पड़ेगी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम अगर ये वर्दी आपके शरीर पर ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। गुरु, ये जलजला बड़ी आसानी से निकल गया। अरे समझदार था इसीलिए चला गया। लेकिन गुरु मान गए तुम्हें भी, तुम पहले आदमी हो जिसे इंस्पेक्टर विजय बिना साथ लिए वापस चला गया। तू डरता बहुत है। अरे डरता नहीं हूँ, उसकी इंस्पेक्टरी की इज्जत करता हूँ। अगर तुम कहोगे तो आगे से नहीं डरूंगा। सामने आरती ऐसा एक घुमा के दूंगा कि उसकी बत्ती बाहर गिर जाएगी। हैं गुरु, ये मेरे कान बज रहे हैं कि सायरन की आवाज है? गुरु मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कौन आ रहा है?
इंस्पेक्टर विजय। अच्छा गुरु, इसके लिए तो तुम अकेले ही बहुत हो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। अरे ठंडा, वो तो हो चुका हूँ, तुम पी लेना। भाग प्रीता। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो ना साहब, खाली पीली बात भड़ जाएगी, ठंडा लेंगे आप। सूरज, तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी, अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूं। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा हाथ। तुमने अपन के रामू की जान बचाई, इसलिए इस बार अपन हार मानता है। पूछो पूछो, क्या पूछना है? उसके लिए अपन को जेल भी जाना पड़े ना, अपन तैयार है। पूछो। अब तुमसे कुछ नहीं पूछना सूरज, तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है साहब? यही कि कानून सिर्फ वर्दी का नाम नहीं। तो किस चीज का नाम है? पुलिस स्टेशन आके अपनी आंखों से देख लेना। आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। अपनी बाईं तरफ देखो। उल्लू के पट्टे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्टे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई थी, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। आओ ये फाइल, गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी।
क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। मान गए साहब, आप दिलेर भी और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा? लो गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। ना सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया, मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा, आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं, ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ बोलो साहब। जितनी इज्जत, जितना प्यार आपको अपनी वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को छोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़ कर अंदर कर दो। लेकिन साहब, अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है, अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब नहीं, अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा। आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब आप कानून की दुनिया का नेहला है ना, तो अपन पन पाप की दुनिया का छोटा सा देला देला साहब। विजय, अरे तू कहां छुपा बैठा है? बस अंकल, एक जरूरी फाइल बना रहा हूं। अरे छोड़ इसे, पहले मुझे अपना माथा चूम लेने दे। जानता है आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, और अभी अभी आईजी साहब मुझे क्लब में मिले थे, वो तेरी तरक्की के लिए सिफारिश करने वाले। मेरी असली तरक्की तो उस दिन होगी अंकल, जिस दिन मैं पाशा को पकड़ के आपकी जेल में वापस पहुंचाऊंगा। पाशा? तुम क्या जानते हो पाशा के बारे में? सिर्फ इतना कि उसके अलावा आपकी जेल से कभी कोई कैदी नहीं भागा। छोड़ो भी बेटा, कितने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जब से वर्दी पहनी है मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो पाशा के बारे में मुझे बता सके। सूरज, मैं सोचती हूँ कि अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम अपने मम्मी डैडी को मेरे घर भेजो ना। आरती, अपन के तो सिर्फ बाबा है, और वो अपन डरते हो उनके सामने अपने प्यार की बात करते? नहीं आरती, अपन अपन के बाबा से नहीं डरता, डरता तो तुम्हारी मम्मी से, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना करते। वो क्यों इनकार करने लगी? बात यह है कि, बोलो ना आरती, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आरती, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, झूठे प्यार का नाटक रचाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर विजय, तुम मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या करते हैं जवाली? अपन किधर है? अपने कमरे में। और आरती? बंगले पे। और इंस्पेक्टर विजय? अपने पुलिस स्टेशन पे। अरे गुरु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्टर विजय से मत भिड़ो, वो तुम्हें सपने में भी आराम नहीं करने देगा। अरे छोड़ना यार, अपन तो एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ यही ना, कि इंस्पेक्टर तुम्हें लॉकअप में उल्टा लटका के तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना। नहीं दोस्त, वो अपन के साथ थी, वो अपन के साथ शादी करना चाहती है। सपने में देख लेना, अपन का सपना सच निकलेगा, वो अपन की जोरू बनेगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा आज तो हिम्मत करके बोली दे। आरती, बात ये है। हाय आरती। हेलो आरती। हाय अनीता। कहाँ थी? हाउ आर यू आरती? ओके बाय बाय।
कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हाँ, तो बोलो। क्या बोल रहा था? आरती, बात ये है कि मैं। हेलो विजय, पहचाना नहीं यार? पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पूना में मिले थे। भाई साहब, आपसे कुछ गलती हो रही है। पुलिस ट्रेनिंग छोड़ो, मैं तो सब्जी मंडी में आलू बेचता हूँ। आलू? चलो आरती, कहाँ से चले आते हैं? आलू? तुमने उसे झूठ क्यों बोला? झूठ ना बोलो तो क्या करूँ? बात शुरू करने जाता तो कोई ना कोई बीच में टपक आता है। चलो बाबा, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, क्या बात है? बात यह है आरती, कि इस दुनिया में हर एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ बंधन होता है। बंधन? हाँ, जैसे भगवान का बंधन भक्त के साथ। भगवान ना हो तो भक्त अधूरा, और भक्त ना हो तो भगवान अधूरा। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? चलो मैं समझाता हूँ। अब देखो, हवा, हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चले तो बादल चले। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ। और धरती का बंधन है फसल के साथ। और फसल का बंधन जीवन के साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ आरती, दो इंसानों के बीच में वो कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? क्या सोच रहे हो? बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। मैं चलती हूँ। कहाँ? एक जरूरी काम याद आ गया। यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसा कौन सा सवाल है? बात यह है कि वो इस दुनिया की हर चीज का दूसरी चीज के साथ एक बंधन होता है। मैं समझा नहीं। देखो, हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चलेगी तो बादल चलेंगे। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ। धरती का बंधन है फसल के साथ। फसल का बंधन है जीवन के साथ। और जीवन का बंधन है प्रेम के साथ। और प्रेम का बंधन है दिल के साथ। दिल का बंधन है दिल के साथ। क्या दिलों के बंधन भी इन बंधनों की तरह अटूट होते हैं? दिलों के बंधन शादी के बंधन में बंध कर, लगन मंडप की अग्नि में तप कर कुंदन बनते हैं, और चिता की अग्नि पर निछावर हो जाते हैं। बंधन टूटे ना सारी जिंदगी, बंधन टूटे ना सारी जिंदगी, चार दिन की जिंदगी प्यार किए बिन हमें नहीं जीना, ना 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 ना, बंधन टूटे जिंदगी।
वो बन गए जिंदगी। हर पल मेरे पास रहेगा, दूर कहीं जाए ना ना, बंधन सारी जिंदगी। नहीं जीना ना 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 ना, बंधन टूटे ना, सारी जिंदगी। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था ना? मना उस वक्त किया था जब मैं अपने भाई के गम में पागल हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ क्योंकि मुझे मेरे भैया मिल गए हैं। तुम्हारे भैया? हाँ, ये मेरे अशोक भैया हैं। बोलो ना भैया। हम दोनों भाई बहन है, देखो ना हम दोनों ने पीला रंग पहना हुआ है। सूरज भैया, सूरज भैया। रामो क्या बात है, चिल्ला क्यों रहा है? वो मोटा सी बुलडोजर लेके बस्ती खाली कराने आया है।
प्यार करने वालों के लिए रोशनी, दुश्मनों के लिए आग का गोला। लोग मुझे सूरज के नाम से पुकारते हैं। चुपचाप अपने चमचों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना वरना के मारे सागे कानून है और कोर्ट को लिखे हुए ऑर्डर है। मैं जब चाहूँ इस बस्ती को गिरा सकता हूँ। इस बस्ती के लिए कानून तो क्या, मैं भगवान से भी टकरा जाऊंगा। ये बस्ती मेरी माँ है। अरे राम को नाम ले, ये बस्ती मारी भी तो माँ है, लक्ष्मी माँ। 30 लाख रुपया दिया है जमीन का रोकड़ा। 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा सेठ। 20 लाख? अरे कभी सपना में भी देखा है 20 लाख? देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। 48 घंटे में 20 लाख रुपया तुम्हारे टेबल पर पहुंच जाएगा सेठ। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना सूरज की गर्मी बढ़ गई तो तुम सबकी चिताएं यहीं जल जाएंगी। ओहो, बीमे के आठ है, 48 घंटे भी रुक जाते हैं। छोड़ो, ब्याज ही जाएगा। आओ वकील जी। लेकिन गुरु, इतना सारा रुपया? यार ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। कहा बाबुआ, हम सबका एक साथ देख के तुहार का घंटी बज गई का? मतलब की बात कर। तो मतलब की बात ये है कि उस ससुर का नाती इंस्पेक्टर विजय आजकल हमारा फाइल बनात रही। इस ससुर के नाती तो जमानत पे छूट गए, लेकिन हम? तेरी जमानत नहीं हो पाएगी। मालूम कह दो, क्योंकि ना तो सिर्फ ये लोग पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का तू गुरु घंटाल है। पाप की जान दुनिया के हम गुरु घंटाल है। वो दुनिया के तुम जाने माने धैले हो, ये हमका जान पड़ गया है। ई बात से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। जिस पाप की दुनिया का अपन दहला है, वहां दोस्ती का मतलब बिजनेस होता है। केके सेठ का नाम तो जरूर सुना होगा। हमका खबर मिली है कि ऊका तिजोरी में लाखों रुपए का माल है, और हम ये भी जानत रही कि वो तिजोरी सिर्फ तू खोल सके। तू वो तिजोरी खोल दे, हम तू का रुपया 10 लाख नगद दे और हम उस सारा माल ले के देश से बाहर चले जाए। और इंस्पेक्टर विजय अपन को अंदर कर दे। बबुआ, ये कोई जरूरी तो नहीं। जेके सेठ की तिजोरी खोलना कोई ऐरे गहरे चोर का काम तो है नहीं, और पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि अपन कोई पन तिजोरी खोल सकता है। समझ गया, समझ गया। हम तो का ही काम कर रुपया 20 लाख दे। नहीं दोस्त, अपन तुम्हारा फाइल बंद करवाने के वास्ते अपन का फाइल तो नहीं खुलवा सकता ना। का? अरे छोड़ा भाई, तुम अपन को रास्ता निकालिया ना। तो तू चाहता है कि किसी भी तरह बस्ती वालों को उनकी जमीन मिल जाए? हाँ बाबा, ये अपन की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो बड़ी चोरी करनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा, ऐसे चक्कर में अपन को बहुत साल चक्की पीसनी पड़ेगी। तो फिर कुछ ऐसा रास्ता सोचा जाए जिससे तुझे चक्की भी नहीं पीसनी पड़े और तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हाँ बाबा, तुम अपन का बाप है ना, तुम्हारे सिवा अपन के लिए और कौन रास्ता ढूंढ सकता है। बेटा समझ लो तुम्हारा काम। वो कैसे? आज रात को हम दोनों चोरी करने निकले। तुम जेके सेठ की तिजोरी साफ करोगे, मैं उसी घर के पास एक छोटी सी चोरी करूंगा। हम दोनों किसी खास जगह पर आकर मिलेंगे और माल बदल देंगे। जेके सेठ की तिजोरी से निकला हुआ माल लेकर मैं चला जाऊंगा, और छोटी चोरी से निकला हुआ माल लेकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ बाबा, छोटी चोरी के इल्जाम में अपन को छोटी सी सजा मिलेगी,
और बड़ी चोरी का मालपन अंदर हो जाएगा। बाबा क्या खोपड़ी, तेरा मतलब क्या दिमाग है बाबा? अपन को मान है कि तुम अपन का बाप है, मगर एक चीज का ध्यान रखना, एक मिनट का भी फर्क हुआ तो हम दोनों जेल की चक्की पीस सकते हैं। तो फिर आज रात को 12:40 पर हम दोनों घंटा घर से घड़ी मिलाकर निकले। ठीक 10 बाद हम लोग किसी जगह मिले, मगर 1 का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा, चल रही है ना? सूरज कहाँ? सूरज कहाँ? मालूम नहीं साहब। रामू, देखो, तुम्हारे सूरज भैया ने मुझे बुलाया था। कहाँ है वो? वो तो रात को घर पे ही नहीं आए। दामोदर जी साहब, मुझे सूरज हर हाल में चाहिए। बहुत अच्छे साहब। सलाम साहब, आपने बुलाया सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। कल रात को तुम किधर थे? क्या साहब, एक ही सवाल पूछने की आपकी आदत हो गई है क्या? कल रात को जेके सेठ की तिजोरी से 40 लाख रुपए चोरी हो गए। बहुत कमजोर तिजोरी होगी साहब, लेकिन बड़ा तकड़ा हाथ मारा ये चोर साहब ने। अपन तो आज तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाए साहब, ऐसी कोई और तिजोरी होगी क्या? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना अंदर कर दूंगा। भड़क क्यों रेला है साहब? अपन बता देते है ना, कल रात अपन घर में था। झूठ बोल रहे हो, मैं खुद तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे पड़ोसी इस बात के गवाह है कि तुम रात को घर पर नहीं थे। मेरा मतलब है दूसरा घर साहब, अपन ससुराल में था। ससुराल में? ससुराल? चोर का ससुराल हवालात होता है ना साहब। अब हुआ ये कि कल रात गलती से अपन नाना चौक के घर में ना चोरी करने चला गया, पकड़ लिया आपके भाई बंधु ने साहब, अंदर कर दिया साहब, पूरी रात अंदर रखा। लेकिन छोटी सी चोरी थी ना साहब, इसलिए जमानत पे छोड़ दिया। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है साहब, चेक कर लीजिए आप। अभी आप ही बताइए, अपन हवालात में रहकर कैसे चोरी कर सकता है? अच्छा रास्ता निकाल लिया तुमने इस चोरी से बचने का। रास्ता वास्ता नहीं साहब, अपन एकदम सच बोलता है, 100% सच। वैसे साहब याद है अपन आपको बोला था, चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है।
छोटा सा दहला साहब, तुम्हारे छोटे से दहले का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सच साहब? जा सकते हो तुम यहाँ से। चलता हूँ साहब, सलाम। साहब नाना चौक पुलिस स्टेशन में फोन करके तो पूछ लीजिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं भोसले, उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन इसके झूठे सच को अगर मैंने बेनकाब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विजय नहीं। गिन लो सेठ जी, पूरे 22 लाख हैं। 22 लाख? अरे राम को नाम ले, 2 लाख ज्यादा। सेठ जी 20 लाख जमीन के और 2 लाख इस पर साइन करने के। ये बस सही कर बाका। अरे राम को नाम ले, क्या लिखा है मैं? अरे सेठ जी इसमें लिखा है कि आपने अपनी जमीन बस्ती वालों को दान कर दी। एक दिन में इतना रुपया कहीं चोरी छकड़े? एक तो 20 का 22 अंदर और फिर दान में नाम ऊंचा। अगर आपने किसी से कहा कि ये 22 लाख अपन ने दिया है ना, तो जमीन तो गई, ये 22 लाख भी अपन ले जाएगा। अरे राम को नाम ले, यही बात तो मैं तेरे को भी कहने वाला था। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कोई दान कर्म हो जाए, आज तेरी वजह से उसकी इच्छा भी पूरी हो। ये ले 5 को नोट, ऐश कर। आप ऐश करो सेठ जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको नाम दो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ आओ चलो। मेरे आदमी ने मुझे खबर दी थी कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पहुंच जाऊं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, अपन के घर आते तो अपन को चाय ठंडा पिलाना पड़ता आपको। बकवास बंद करो, क्यों आए हो यहाँ? अरे सेठ जी ने बुलाया अपन को ये कागज देने के लिए। बड़े दयालु हैं अपने सेठ जी, इन्होंने अपनी सारी जमीन बस्ती वालों को दान दे दी। कितने पैसे दिए इसने तुम्हें जमीन के? अरे क्या बोल रहे हैं आप, दान धर्म में कोई लेन देन होता है क्या? मैं सेठ जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। सेठ जी आप ही बता दीजिए ना। अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन से रुपए की बात कर रहे हो? जो रुपए आपने इस जमीन के मांगे थे। मांगे थे लेकिन बाद में सेठ जी को दया आ गई, इन्होंने सब दान कर दिया। बोलो सेठ। माफ करना साहब, जबरदस्ती किसी से वो कहलवाना जो आप चाहते हो कानून के खिलाफ है। आप कानून वाला है, अपन तो आपको समझा रहा था सिर्फ, है ना सेठ जी? देखो मैं कानून अच्छी तरह जानता हूँ और अब तुम ही अपना मुंह बंद रखोगे, समझे? ठीक है साहब। बोलो सेठ ये क्या है? अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये दान अपनी इच्छा से किया। ओके सेठ ओके। इस बार तो भगवान ने तुम्हें बचा ही लिया, शायद तुम दूसरों का भला कर रहे हो इसलिए। गुड लक। का मतबल वो ससुर के नाते ने हमका धोखा दिया? हाँ, जब मैंने सेठ के गले पे चाकू लगाया तब उसने बताया कि सूरज ने जमीन की कीमत 22 लाख रुपए दी है। हमारे खबर का हमका हिस्सा दिए बिना उस ससुर के नाते ने फायदा उठाया, ये पाप की दुनिया के कानून के खिलाफ है। एक ही उनका सजा भुगतनी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। हेलो आरती। मेरा मैसेज मिला? मैसेज? पुलिस स्टेशन घर जहां भी पहुंचो एक ही बात, आरती जी ने तुम्हें फौरन बुलाया। कहिए क्या हुक्म है हमारी हाई कमांड? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना था। सवाल? हाँ वही, ऐसा कौन सा बंधन है जो दो दिलों को अटूट रिश्ते में बांध देता है? वो है शादी का बंधन। तुमने कितनी आसानी से कह दिया और मैं आज तक चाह कर भी नहीं कह सका।
मैंने नहीं, उसने कहा है, जिसको मैं चाहती हूँ। मैंने तो नहीं कहा। मैं तुम्हारी नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। सूरज? तुम सूरज को जानते हो? इसे पुलिस डिपार्टमेंट का हर एक आदमी जानता है। विजय। हाँ, ये एक शातिर चोर है। जेके से गिट्टी चोरी की चोरी भी इसी ने किया। क्यों बोल रहे हो? ये एक ऐसा झूठ है जो तुम्हें शहर के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में सूरज की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। आरती, देखो ये बस्ती वाले लोग कितने खुश हैं। इन्हें इनका घर मिल गया, इन लोगों का सपना पूरा हो गया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये सपना किस तरह पूरा हो गया, सिर्फ इतना बता दो कि तुम एक चोर हो या नहीं। अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम चोर हो कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ, तुम चोर हो कि नहीं? अरे वो देखो, उन लोगों को देखो, वो कितने चोर हो कि नहीं? अपन एक चोर है। मेरी बात तो सुनो आरती। मैं सुना था यार को यारी से मतलब होता है, मगर तुमने भी दुनियादारी निभा दी। प्यार मोहब्बत कसमें बांधे पल में भुला दिए तुमने। इस उजले चेहरे के पीछे इतना अंधेरा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। काश मुझे तुम्हारी असलियत पता होती। असलियत जो दिखती है वही नहीं होती आरती। असलियत के पीछे मजबूरियां होती हैं, माहौल होता है, परवरिश होती है, खून होता है। तुम इसलिए अच्छी हो क्योंकि तुमने एक अच्छी माँ की गोद में जन्म लिया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी परवरिश एक अच्छे माहौल में की। अपन इसलिए बुरा है क्योंकि अपन ने एक चोर के घर में जन्म लिया। तुम्हें सिखाया गया है कि चोरी करना पाप है। अपन को सिखाया गया है कि चोरी से ही पेट भरता है। सूरज, मैं मानती हूँ परवरिश माहौल जिंदगी पर असर करते हैं, लेकिन इंसान जानवर नहीं जो लकीर का फकीर बनकर उसी रास्ते पर चलता रहे जिस पर उसे चलाया जाए। इंसान को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, उसकी आत्मा अच्छाई बुराई करने का फर्क जानती है। क्या तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ नहीं कहती? आत्मा की आवाज कभी उठी भी तो अपन के बाबा का हुक्म और गरीबों की मदद की भावना ने उसे दबा दिया। आरती, अपन तुमसे कुछ मांगना चाहता है। क्या? अपनी मोहब्बत की थोड़ी सी रोशनी सूरज को दे दो। अपन कसम खाता है आज के बाद ये हाथ कोई तिजोरी नहीं तोड़ेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे। अपन एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा इंसान। बंधन टूटे ना सारी जिंदगी, बंधन टूटे ना सारी जिंदगी। चार दिन की जिंदगी प्यार किए दिन हमें ना।
आखिरकार हो गया सूरज, एक हफ्ते से गायब है। हलक में रखी हुई जहर की पोटली की तरह मैंने उसे बचपन से पाला है। मेरे बदले की आंख है वो, जिसे मेरे दुश्मन को जलकर राख होना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा। जाओ ढूंढो उसे। अरे धीरे गुरु धीरे, लगता मेहनत की कमाई ने तुम्हारे हाथों की ताकत को दुगना कर दिया। तो ठीक है यार, मेहनत की कमाई से खाना हजम भी होता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी गुरु। क्या? भगवान ने क्या चीज बनाई है औरत, मतलब ये कि रूप बदल कर रखिया तेरे जैसे चोर उचक्के का। गुरु गुरु। क्या? अरे आरती तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कितने अच्छे लग रहे हो काम करते हुए। अरे ये सब आपकी मेहरबानी है, वरना ये और काम। अच्छा आरती ये बताओ हमारी बहन कैसी है? फर्स्ट क्लास, उसने कल तुम्हें जन्मदिन पर बुलाया है। मुझे? हाँ, इसमें हैरान होने की क्या बात है, वो तुमसे कितना प्यार करती है, क्या तुम उसकी खुशियों में शरीक नहीं होगे? अरे जरूर होंगे, हम दोनों होंगे। कब्र है तू भी? हाँ। ठीक है। अरे आजकल के केक को ही केक है, ये इतना छोटा। हमारे जमाने में केक बाहर से खाते थे। आशा बेटी, केक की मोमबत्ती जला दो। ठहरो गौरी चाची, भैया को तो आने दो। आरती तुमने कह तो दिया था ना, भैया आएंगे या नहीं? वो जरूर आएंगे आशा। आशा बेटी सब मेहमान आ गए हैं, चलो अब केक काटो। ठहरो पापा, इन मेहमानों को आपने बुलाया है, मैंने तो सिर्फ अपने भैया को बुलाया है। जब तक भैया नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी। आखिर वो है कौन जैसे तुमने अपना भाई बनाया? भैया भैया जन्मदिन मुबारक हो बहन। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। भैया मैं तो समझी थी तुम आओगी ही नहीं। अरे पगली, कभी ऐसे हो सकता कि बहन बुलाए और भाई ना आए? ये बदमाश यहाँ कैसे आ गया, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। लेकिन अंकल तुम नहीं जानते ही अव्वल नंबर का चोर है, आशा का भाई बनकर उसकी कमजोरी से पता नहीं क्या फायदा उठाना चाहता है। अंकल इस वक्त इस चोर को कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, आशा की खुशी के लिए हमें चुप रहना ही पड़ेगा। नहीं मैं, प्लीज अंकल। आओ भैया मैं तुम्हें पापा से मिलाऊं। पापा इनसे मिलिए, ये है मेरे अशोक भैया। ध्यान से देखिए, इनकी सूरत में आपको अशोक भैया नजर आएंगे। नमस्ते सर। वो क्या है कि मुझे अपना भाई समझती है? समझती हूँ नहीं, तुम मेरे भैया हो। ये बात अलग है कि इनके पास वो आंखें नहीं जो तुम्हें पहचान सके। विजय तुम भी मिलो। आशा मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो कैसे? वो क्या है कि अपन दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। कैसे है बड़ू? आशा अब तो केक काटे। हाँ हाँ चलो। हाँ चलो। आज तुम्हें यहाँ सिर्फ आशा की खुशी के लिए खुशामदीद कहा गया, लेकिन एक चीज याद रखो कि अगर आज यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। क्या बोलता है साहब, अभी तो अपन ख्वाब में भी बुरा काम नहीं कर सकता। अपन की जिंदगी एकदम शराफत की पटरी पर चल रही है साहब। आओ ना सूरज, यहाँ कहाँ अटक गए हो? अपन साहब को ख्वाब और जिंदगी, जिंदगी और ख्वाब का फर्क समझा रहा था। ख्वाब और जिंदगी, ये तो बड़ा शायराना टॉपिक है, गाकर सुनाओ ना। तुम कहती हो तो जरूर गाऊंगा। इजाजत है साहब। जिंदगी प्यार है, प्यार है जिंदगी।
मेरे दिल का दामन बचा लो। जिंदगी प्यार है, प्यार है जिंदगी, अपनी सांसों में इसको बसा लो। राहें भी हैं जिनकी मंजिल नहीं, ऐसी राहें भी हैं जिनकी मंजिल नहीं, ऐसी राहों से नजरें हटा लो। जिंदगी सपने भी हैं जो कभी सच न हो, ऐसे सपने भी हैं जो कभी सच न हो, ऐसे सपनों से आंखें चुरा लो। जिंदगी ख्वाब है जिंदगी, अपनी आंखों में इसको सजा लो।
हुआ आपकी बच्ची? मेरी बच्ची तिजोरी में बंद हो गई है और दरवाजा भी नहीं खुलता। लाइए चाबी दीजिए। चाबी उसी के हाथों में है। ओह माय गॉड। चलिए। सब चोरी से होने वाले चोरी से बच निकलने की प्लानिंग तुम्हारी थी सूरज, और ये मेरी प्लानिंग। जब मुझे पता चला कि आशा तुम्हें भाई मानती है और तुम इसके जन्मदिन पर आ रहे हो, तो मैंने जेके सेठ जैसे तिजोरी का इंतजाम किया और बच्ची के बंद होने का नाटक किया। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस तिजोरी को जरूर खोलोगे, और तुम्हारे हाथों से इस तिजोरी का खुलना इस बात का सबूत होगा कि जेके सेठ की तिजोरी खोलने वाले चोर भी तुम। ये कोई ठोस सबूत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिन हाथों ने ये तिजोरी खोली है उन्हीं हाथों ने जेके सेठ की तिजोरी खोली थी? मैं मानता हूं कि ये कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इतनी आसानी से इस तिजोरी को खोलना शक जरूर पैदा करता है, और पुलिस की इंक्वायरी शक से शुरू होकर यकीन पर खत्म होती है। ले जाओ इसे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। इंस्पेक्टर विजय ने जेलर के घर में, यानी कि उसके आंखों के सामने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पाशा कहो तो सूरज की जमानत की कोशिश की जाए। नहीं तेजू, ये सूरज की जमानत का वक्त नहीं, जेलर के दबे हुए जख्म पर नमक छिड़कने का वक्त है। मेरे सीने में 15 साल से भड़कती हुई ज्वालामुखी के बुझने का वक्त है। सूरज के खिलाफ पुलिस को इतने सबूत दे दो कि सोते जागते कानून उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। जेके सेठ की तिजोरी किसने खोली थी? अब उनको नहीं मालूम। अब भी वक्त है, बोल। जब ये होश में आए मुझे बता देना। सूरज से मिलने आई हो? मिल सकती हूँ? मैं चाहूं तो ना मिलने दूं। आरती, मुझे मुजरिम से ज्यादा उससे मिलने वालों पर तरस आता है, जानती हूं क्यों?
क्योंकि जुर्म करता है मुजरम और सजा मिलती है तुम जैसे मिलने वालों। बेगुनाह होते हुए भी उनके माथे पे ये लिख दिया जाता है कि ये चोर की मां है, ये चोर की बहन है, ये चोर की मैं यहां रिश्तों पर लेक्चर सुनने नहीं सूरज से मिलने आई हूं। मिल सकती हूं या नहीं? हवलदार जी साहब, इन्हें सूरज से मिलाओ। आइए। सूरज तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी बैठ गई है उसे दूर करने के लिए। जो दिल से दूर हो गया हो वो दिल की गलतफहमी क्या दूर करेगा? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सूरज के प्यार की बहुत कम कीमत लगाई आपने मेम साहब। अपने दोस्त इंस्पेक्टर विजय के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक खेलने की बजाय अगर आप उनको एक बार भी बोल देता ना अपना जुर्म कबूल कर लो तो कसम है आपके झूठे प्यार की कभी इनकार नहीं करता। सूरज। लेकिन अब आप और आपका इंस्पेक्टर तो क्या संसार का कोई भी कानून ये साबित नहीं कर सकता कि जेके सेठ की तिजोरी अपन ने तोड़ी है। कोई साबित नहीं कर सकता मैम साहब, कोई भी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना साबित करने आई हूँ सूरज कि मैं निर्दोष हूँ। कभी मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हें माफ कर दिया था, आज तुम मेरा विश्वास कर लो। मैंने सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी को बचाने के लिए तुमसे तिजोरी खोलने को कहा था। मेरा यकीन करो सूरज, इस नाटक में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। गौरी, आशा बेटी, अरे ये अंधेरा कैसा? कौन हो तुम? पाशा, याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी जेलर। परसों बात मिले फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुझे तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा पाशा, क्योंकि भगवान के सामने मुझे तेरा गिरेबान पकड़ना। वो तो मरने के बाद होगा जेलर। फिलहाल इस दुनिया की सोचो जिसमें कल सूरज की पहली किरण के साथ साथ तुम एक जिंदा लाश बनकर जियोगे। कल का सूरज तेरी कैद का पैगाम लेकर निकलेगा पाशा। इस घर से तू सीधा जेल जाएगा और दोबारा वहां से कभी भाग नहीं सकेगा, समझे? बेटी जान से जाएगी। पत्तियां जानते हो इन दोनों को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आज मैं यहां खून बहाने नहीं, खून जलाने आया हूं तुम्हारा। चाहते क्या हो तुम? याद है एक दिन तुमने मुझे बेइज्जती करके इस घर से बाहर निकाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपने खानदान और अपने खून पर गुरूर था। लेकिन आज आज मैं तुम्हारे उस गुरूर को चकनाचूर करने आया हूं। अपने बेटे अशोक से नहीं मिलोगी जेलर। अशोक, तुम जानते हो वो कहां? सिर्फ जानता ही नहीं, उसे मैंने अपने हाथों से पाला है। जिस पाप की दुनिया का मैं बादशाह हूं,
उसे मैंने वहां का शहजादा बना दिया। चोरी करना उसका पेशा है। पुलिस के साथ आंख में चोली खेलना उसकी तालीम, और जेल के पथरीली बिस्तर पर सोना उसका शौक। हराम सारे, याद करो वो दिन जब तूने मुझे इसी घर में कहा था कि मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप वेश्याले चलाता था और मेरे खून में पाप का रंग है। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा बेटा, जिसके रगों में तेरा खानदानी खून बह रहा है, मैंने अपने पाप के रंग में रंग दिया है। हाँ, पाप के रंग में रंग दिया है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैं ये साबित करना चाहता था कि खून कुछ नहीं होता, असली चीज होता माहौल, परवरिश। तुम्हारा अच्छा खून मेरे माहौल में पलकर आज एक नामी चोर है, सजा याफ्ता मुजरिम है। जानते हो पाप के दुनिया में हम उसे किस नाम से पुकारते हैं? सूरज के नाम से। अशोक, घबराओ नहीं जेलर, बहुत जल्द बाप बेटे का मिलन होगा। तुम्हारी जेल में तुम्हारा बेटा लंबी सजा काटने के लिए आ रहा है। बेटा बाप की आंखों के सामने रोज जेल में पत्थर तोड़ेगा और बाप उसे देख देख कर खून के आंसू बहाएगा। ये होगा पाशा का इंतकाम। ये तुम्हारा इंतकाम नहीं है पाशा, तुम्हारे गंदे खून की गंदी सोच है। अच्छे खून को गंदा बनाने के लिए तुमने अपने माहौल का लिबास उस पर डाल दिया, लेकिन खून की अच्छाई को नहीं दबा सके। तुमने अशोक को चोरी सिखाई, लेकिन उसने उसी चोरी के पैसों से हजारों गरीबों का घर बसाया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। मारने के लिए तुमने उसे हथियार दिए, लेकिन उसने एक गरीब बच्ची की जान बचाने के लिए तिजोरी खोलकर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। तुमने उसे नफरत और बुराई सिखाई, लेकिन उसने आरती के प्यार की वजह से सब बुराइयों से तौबा कर ली। ये उसका अच्छा खून है पाशा, जो तेरे साथ गंदे कीचड़ में रहकर भी कंवल के फूल की तरह पाक और साफ उभरता रहा। कमल का फूल है असले। अगर याद कर, बरसों पहले मैंने तुझे समझाया था पाशा, गंदा खून अगर गंदे माहौल में रहे तो उसे कोई भी नहीं सुधार सकता, इसकी के जिंदा मिसाल तू है। और अगर अच्छा खून गंदे माहौल में पले तो उसकी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती, जिसकी मिसाल है मेरा बेटा अशोक। लेकिन गंदा खून अगर अच्छे माहौल में परवरिश पाए तो वो अच्छा इंसान बन सकता है, जिसकी मिसाल है पुलिस इंस्पेक्टर विजय, तुम्हारा अपना बेटा। मेरा बेटा? हाँ पाशा, तुम्हारा बेटा, मेरी बदनसीब बहन के प्यार की निशानी। अगर तुम सच कह रहे हो और उस बच्चे के रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है, तो एक दिन वो मेरे ही काम आएगा। पाशा, आज तू यहां से जिंदा नहीं जा सकता। छोड़ दे मुझे, मैं इसका खून पी जाऊंगा। आशा, आशा, ओ आशा, अंकल, दैमा, क्या हुआ दैमा? ये सब किसने किया दैमा? तुम्हारे पिता ने। मेरे पिता ने? हाँ, पाशा तुम्हारा पिता है और सूरज हमारा खोया हुआ अशोक। सूरज, क्या है? तुम्हारे लिए कोई आदमी चिट्ठी दे गया। कौन था?
बोलता था तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। रिश्तेदार? सूरज, तुम्हारी प्रेमिका आरती हमारे कब्जे में है। जेके सेठ की तिजोरी का माल लेकर एक घंटे के अंदर पुराने खंडर में पहुंच जाओ। होशियारी की तो छोकरिये का टेडुआ दुबई के शहर के चौराहे पे फेंक दे। तुहार बाप पीसना। ये क्या हुआ साहब? सूरज लॉकअप का ताला खोल के भाग गया। क्या? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए एक आदमी चिट्ठी दे गया था। क्या सूरज भैया, आपके बेटे? हाँ प्रीतम, वो अशोक है, मेरा सगा बेटा। पाशा ने मुझसे बदला लेने के लिए उसे चोर बना दिया, और अब सुना है कि वो जेल से भी भाग गया। वो जरूर पाशा के पास गया होगा। इससे पहले कि पाशा को चाल चले, मैं अशोक को सच्चाई बता देना चाहता हूँ। तुम जानते हो वो कहाँ मिलेगा? तो कहाँ भी था बाबा, कहाँ है? तो से कहीं बाहर गए हुए हैं। पाशा साहब का हुक्म है कि उनकी इजाजत के बिना कोई तहखाने में ना जाए। हुक्म दूसरों के लिए होगा, अपन के लिए नहीं। हुक्म सबके लिए है। बकवास बंद करो और हट जाओ आगे से। लॉकअप से भागा है बाबा, क्योंकि उन लोगों ने वहां आरती को बांध के रखा है और मेरी इजाजत के बगैर तहखाने में जाने की हिम्मत कैसे की? अपन माफी चाहता है बाबा, लेकिन इस वक्त एक मिनट अपन के लिए बहुत कीमती है। अगर अपन ये पैसा लेके वक्त पर नहीं पहुंचेगा ना, तो बीसना आरती को जान से मार डालेगा बाबा। और अगर ये पैसे लेकर तुम यहाँ से जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। पाप की जिस दुनिया के हम खिलाड़ी हैं, वहां दौलत लूट कर लाई जाती है, लुटेरों पर लुटाई नहीं जाती। बाबा, अपन आरती से बहुत प्यार करता है, इस वक्त तेरे बेटे की मोहब्बत का सवाल है पापा। कौन बेटा और किसका बेटा? हमने सोचा था इस कड़वी सच्चाई का राज तेरा सगा बाप खोलेगा, मगर लगता है ये नेक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो पापा? मेरा और तेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, बदले का रिश्ता, नफरत का रिश्ता और इंतकाम का रिश्ता। अपन जानता है बाबा, तुम पैसे से बहुत प्यार करता है, इस पैसे के लिए तुम अपन से ऐसी बातें कर रहा है, मगर बाबा आरती की जिंदगी इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। अपन चलता है। हेलो, मेरी दौलत लेकर तुम यहां से नहीं जा सकते। बाबा, तुम्हारा हुक्म मानना आज तक अपन की जिंदगी रही है, पर आज अपन को मत रोक, वरना ये नियम टूट जाएगा। आशा को धमकी देता है, इस कुत्ते को। Shh.
कारी छमिया रानी, उस ससुर का नाती तुम्हार आशिक आए ना ही। वो आएगा तो तेरी सास से बद कर देगा कमीने। आए मैं मर जाऊं, इतना भरोसा है वो कागजी पहलवान पे। अरे सासे तो हम बंद करेंगे, वो का टेटवा दवाई के और तो हाथ होंठों से होंठ दवाई के ताजा पिस्ता की रस बलाई। वारी छमिया बड़ी अच्छी पिचकारियां मारती है, राम कसम तोरा आसिक रुपया लेकर आ जाए फिर उका मार के तू का साथ लेके ई देश से बाहर निकल के पूरा एक महीना बंद कमरे में रखूंगा, फिर जी भर कर पिचकारियां मारना। सूरज को लॉकअप से भागे हुए एक घंटा हो गया, ऐसा तो नहीं कि वो आए ही ना। अबे बजर बट्टू, अगर आना ना होता तो वो भागता ही क्यों, तू चिंता मत कर, उस ससुर का नाती पीटरू का पीछे लगा हुआ है, आता ही होगा। विजय है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम देख सकते हो मैं बिना पुलिस फोर्स के बिना कोई हथियार के बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। देख तो हमरे इंस्पेक्टर, लेकिन इतना जानना चाहे कि तुम यहाँ आए क्यों। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। मुझे आरती और सूरज चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हारी वो फाइल बंद कर दूंगा जो मैंने बनाई है हाई कमांड को देने के लिए। देखो भैया पुलिस वाले, पाप की जॉन दुनिया के हम गुरु घंटाल हैं, उनका गुरु ने हमका एक शिक्षा दी है कि औरत की जात, कदे की लात और पुलिस वाले की बात पर तब तक विश्वास मत करो जब तक उनका पूरा मकसद खोपड़िया में ना आ जाए। तो हम तुहार की बात पर क्यों और काहे यकीन कर ले, मैंने पूछा है। तुम्हारे यकीन के लिए इतना ही जानना काफी है कि ये आरती मेरे बचपन का प्यार है, इससे मैं शादी करना चाहूंगा। विजय, तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो, तुम्हें सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें पाना मेरी चाहत ही नहीं, मेरी जिद बन गई आरती, और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। कितना याद रखना, तुम्हारी ये जिद मेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी। भैया की बात मजा आ गया, तुम दोनों की हैया हैया सुनकर मजा आ गया। भैया तो हार का मकसद तो हमारी खोपड़ी में बैठ गया, लेकिन ये का सूरज न जाने किन अंधेरों में खो गया कि अभी तक आए नहीं। सूरज को पाशा ने कैद कर दिया। कहा वो सूरज? पाशा के लिए काहे को क्या था, केके सेठ की तिजोरी का पैसा पाशा के पास था, लाई रहा था कि इतने में पाशा पहुंच गया। कृष्णा, अब तो मैं तुझे वो पैसे भी दिला सकता हूं। तू नहीं जानता कि पाशा मेरा सगा बाप है। क्या मजे की बात कही है अकेला सिंह। छोड़ दो इसे, लगता है इसे बचपन की मार फिर से याद दिलानी पड़ेगी। बचपन की मार ही नहीं पाशा, जिंदगी की हर बात मुझे याद आ चुकी है, और आज हर बात के हिसाब का दिन है पाशा। खबरदार, किसी ने हरकत की तो अपने अपने हथियार फेंक दो पिताजी, वरना पाशा की लाश जमीन पर पड़ी होगी। Thank you.
अशोक बेटे, जितने घाव इस पापी ने मेरे दिल पर लगाए हैं, जितने जख्मों के निशान तेरी जिंदगी में बनाए हैं, उन सबका हिसाब चुका दे। तुझे तेरी रगों में बहते हुए मेरे खून की कसम, मार इसे, मारता चला जा। अंदर फेंक दो सूरज महाराज, नहीं तो जेलर की जलेबी बन जाएगी। का जलेबी? कौन है तुम? ये हमारा दोस्त है पिताजी। पीछे पिताजी? हाँ, मैं विजय हूँ पिताजी, और मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, इसलिए हम बिस्ना को यहाँ दोस्त बनाकर लेके आए। अपने बड़ों को दोस्ती की शर्तें भी बता दो इंस्पेक्टर साहब। हम बिस्ना को दो चीजें देंगे, एक तो वो फाइल जो मैंने इसके खिलाफ बनाई है, और दूसरा वो रुपए जो जेके सेठ की तिजोरी से चोरी हुई, और उसके बदले में बिस्ना हमें आरती देगा। होल एंड फाइनल। शाबाश बेटा, तूने आज खून का बदला चुका दिया है। आज तक मैं औरत को सिर्फ एक वास्ता का पुतला समझता था, लेकिन तेरे खातिर आज इस लड़की से एक नया रिश्ता भी जोड़ूंगा। उस पोटली में रुपए पड़े हैं बेटे, लाकर इसे दे दो। बिस्ना, ये लो तुम्हारे पैसे, लेकिन अब तुम्हें इस शहर में कोई खतरा नहीं। मेरे पिताजी के पार्टनर बन जाओ, बहुत माल कमाओगे, क्योंकि अब इंस्पेक्टर विजय की वर्दी जो पाप की दुनिया का नाश करती थी, अब उसकी परवरिश करेगी। मैं तो काला के चलने पे बनना आ जाऊंगा। और इस परवरिश का पहला काम है तुझ जैसे कुत्तों को खत्म करना। शाबाश विजय, किसी से दब के दोस्ती करना हमारे खून में नहीं, आज ये बात तूने साबित कर दी। अपनी जगह खड़ा रहे पाशा, वरना मैं तेरे सर के परखचे उड़ा दूंगा। विजय खामोश मत, ले तेरी गंदी जुबान से मेरा नाम। यह नाम मुझे मेरे पूजा मामा जी ने दिया। विजय का मतलब होता है जीत, और जीत हमेशा अच्छे संस्कारों की होती है, अच्छे परवरिश की होती है। यह नाटक मैंने सिर्फ आरती और सूरज को बचाने के लिए किया था, और तुझ जैसे पापी को उसके पाप की सजा दिलाने के लिए किया था। सुना कुछ पाशा, आज तेरा खून भी मेरी ही बोली बोल रहा है। गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, वरना छोकरी का टैटू दबा दूंगा। टैटू? हाँ। नहीं तो मार दे छोकरिया को। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या पैतरा बदला? जब तक पाप की दुनिया में तुम जैसे धुरंधर लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के बाद हम तुम्हें अपना पार्टनर बनाते हैं। हाँ तो सूरज महाराज, माल लेकर छोकरिया देने का सौदा हमने तुम्हारे के साथ किया था ना? किया था ना? तो चल
अपने हथौड़े जैसे हाथों से उकठरिया उठा और हमारे चरणों में धरकर प्रणाम कर। इसको हिल सुस्त रहे, हिल मार दे इसको, नहीं तो हम माल चोखरिया बिलाई हनीमून।
विजय तुमने क्या किया पीछे? अंकल, मैंने माँ कभी नहीं देखी। आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरी दुनिया हो, सब कुछ हो अंकल। आपके लिए तो मैं हजार बार हंस के मर सकता हूँ। जय, सूरज मेरे भाई, आरती तुम्हें बहुत चाहती है, इसका तो रखना।